नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार गवर्नमेंट न्यू रिक्रूटमेंट 2024 के रिगार्डिंग। दोस्तों, आप लोग थंबनेल में देख ही पा रहे होंगे, बहुत बड़ी खुशखबरी। बिहार में नई भर्ती का पिटारा खुला, 472,976 खाली पदों का विभागवार डिटेल्स जारी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सही सुन रहे हैं, फाइनली राज्य सरकार के द्वारा यहाँ पे खाली पदों का विभागवार डिटेल्स जारी कर दिया गया है। जैसा कि आप लोग के मालूम होगा कि वर्ष 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है और किसी भी चुनाव से पहले यहाँ पे सबसे बड़ा जो ट्रैप होता है वैकेंसी का ही होता है। वही खास करके बिहार में बात करें तो बिहार में बेरोजगारी का स्तर इतना बढ़ गया है कि इस कंडीशन में अगर राज्य सरकार यहाँ पे बड़ी वैकेंसी निकालती है तो उनको बहुत ही बड़ी राहत चुनाव में मिलेगी। तो दोस्तों, फाइनली राज्य सरकार यहाँ पे ट्रैप बिछाने जा रहा है और बिहार में बहुत ही बड़ी स्तर पर बहाली होने वाला है, जिसका यहाँ पे नोटिस जारी हो चुका है। आप लोग को ऑफिशियल नोटिस दिखाएंगे कि कौन से विभाग में कितने पद खाली हैं और ये वैकेंसी कब तक जारी किया जा सकता है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें फ्यूचर में लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, ये रहा ऑफिशियल लेटर, यहाँ पर देख पा रहे यहाँ पे लेटर नंबर है, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है। देख सकते हैं प्रेषक रजनीश कुमार सरकार के संयुक्त सचिव, और यहाँ पे ये जो लेटर लिखा गया है सभी अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव बिहार पटना को लिखा गया है। सब्जेक्ट में यहाँ पे देख सकते हैं राजधीन सेवाओं संवर्गों में स्वीकृत बल कार्यबल एवं रिक्ति की अद्यतन सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में, और रिफ्रेंस में यहाँ पे देख सकते हैं एक लेटर जारी किया गया था सामान्य प्रशासन विभाग को 31/5/2024 का, उसी के रिफ्रेंस देते हुए लेटर जारी किया गया है। यहाँ पे पूरा मैटर लिखा गया है कि आपको सारे डिटेल्स देने हैं। यहाँ पर परफॉर्मा यानी प्रपत्र यहाँ पे दिया गया था, इसमें आपको फिट करके भेजना था और उसका डिटेल्स यहाँ पे आ चुका है। डायरेक्ट देख सकते हैं 13/6/2024 की डेट में ये लेटर पर साइन हुआ है। यहाँ पे रजनीश कुमार सरकार संयुक्त सचिव का यहाँ पे सिग्नेचर देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं पूरा विभागवार स्वीकृत कार्यबल एवं रिक्ति पदों की विवरण यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे कुल मिलाकर के देखें तो यहाँ पे 45 प्रकार के विभाग हैं और सभी विभागों के यहाँ पे वैकेंसी डिटेल्स बताया गया है। एक एक करके सारे डिपार्टमेंट के यहाँ पे वैकेंसी देखते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल नंबर 1 पे यहाँ पे मेंशन किया गया है विभाग, स्वीकृत बल संख्या, कार्यबल संख्या, रिक्तों की संख्या। तो दोस्तों, यहाँ पे शिक्षा विभाग में देख सकते हैं कुल मिलाकर के यहाँ पे 835,504 यहाँ पे सक्रिय संख्या है, और यहाँ पे देख सकते हैं अभी तक कुल मिलाकर के 617,913 यहाँ पे कार्यबल हैं, और वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षा विभाग में 217,591। वही दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग में भी बड़ी वैकेंसी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 139,946 यहाँ पे टोटल सेंक्शन स्ट्रेंथ है, और यहाँ पे देख सकते हैं 74,000 के आसपास में यहाँ पे कार्यरत हैं और 65,734 यहाँ पे सीट वैकेंट है। तो दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग में लगभग यहाँ पे 50% जो सक्रिय पदों की संख्या है उसकी खाली है। यहाँ पे कुल मिलाकर के स्वास्थ्य विभाग में ही 65,734, तो दो ये बड़े विभाग हैं, शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग, जहाँ पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रहा है। उसके अलावा गृह विभाग में दोस्तों यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे गृह विभाग में जो सक्रिय बलों की संख्या है 1,37,000 समथिंग है, वही कार्यबल की संख्या यहाँ पे देख सकते हैं 96,466 है, अभी भी यहाँ पे 41,414 पोस्ट खाली है। तो गृह विभाग में भी यहाँ पे अच्छी वैकेंसी देखने को मिल सकती है। वही ग्रामीण विभाग में देखें तो लगभग यहाँ पे देखें तो 11,784 पोस्ट खाली है। नगर विकास एवं आवास विभाग में यहाँ पे 948, पंचायती विभाग में यहाँ पे देख सकते हैं 5,551 पोस्ट खाली हैं, पंचायती राज विभाग देख सकते हैं 14,331 यहाँ पे टोटल सेक्शन अंतरेंट है, और 8,780 यहाँ पे कर्मचारी कार्यरत हैं। कृषि विभाग में देख सकते हैं अच्छा खासा यहाँ पे वैकेंसी है, 5,513 टोटल सक्षम स्ट्रेंथ है, इसमें 2,298 कार्यरत हैं और लगभग 3,015 अभी भी वैकेंसी खाली है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में देख सकते हैं 4,814, कला संस्कृति एवं युवा विभाग में यहाँ पे सूचना पर्याप्त है, सूचना नहीं आया है कि कितने पोस्ट खाली हैं। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में यहाँ पे 762 है। तो दोस्तों, देख सकते हैं अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में 797 यहाँ पे स्वीकृत संख्या पदों की संख्या है, मात्र 35 ही कार्यरत है और 762 यहाँ पे अभी खाली है। भवन निर्माण विभाग में देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही कम यहाँ पे बहाली हुई है, अभी भी 3,828 पद खाली हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय में देख सकते हैं यहाँ पे 3,764 में मात्र 770 कार्यरत हैं, और यहाँ पे 2,994 यहाँ पे अभी भी सीटें वैकेंट है, और यहाँ पे देख सकते हैं रिफ्रेंस में भी कुछ मेंशन किया गया है। वाणिज्य कर विभाग में देख सकते हैं 1,479 है, सहकारिता विभाग में 2,106 है, आपदा प्रबंधन विभाग में 1,015 है, निर्वाचन विभाग में देख सकते हैं 25 है, ऊर्जा विभाग में यहाँ पे 12,000 में से देख सकते हैं 563 पद खाली ही हैं, पर्यावरण
एवं वन जलवायु विभाग में यहाँ पे देख सकते हैं 2250। इस प्रकार यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रहा है। वित्त विभाग में 1504, खाद एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में 6261, उसके बाद सामान प्रशासन विभाग में यहाँ पे देख सकते हैं 3845 यहाँ पे पोस्ट खाली है। दोस्तों सामान प्रशासन विभाग में यहाँ पे अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रहा है। उसके बाद उद्योग विभाग में 677, जन सूचना एवं संपर्क विभाग में 274, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में देख सकते हैं 31 पोस्ट खाली है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सर्व संसाधन विभाग में देख सकते हैं 5039, विधि विभाग हो गया, खाद एवं भूतत्व विभाग हो गया 301 हो गया, लघु जल संसाधन विभाग देख सकते हैं 7548 है, अल्पसंख्यक विभाग में 430 यहाँ पे पोस्ट खाली है। तो दोस्तों लघु जल संसाधन विभाग में अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे टोटल सेक्शन स्टेंट जो है 9392 है, पर मात्र 1844 यहाँ पे कर्मचारी कार्यरत हैं और यहाँ पे देख सकते हैं 7500+ यहाँ पे सीटें वैकेंट है। वही अल्पसंख्यक विभाग में 430, संसदीय कार्य विभाग में 17, योजना विभाग में देख सकते हैं 3128, लोक स्वास्थ्य विभाग में 218, मन निषेध में 2081, राजस्व में भूमि सुधार विभाग। दोस्तों यहाँ पे राजस्व कर्मचारी की जो वैकेंसी निकलती है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर के 15214 पोस्ट खाली है। तो राजस्व में भूमि सुधार विभाग में अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रहा है। पथ निर्माण विभाग में 2465, ग्रामीण कार्य विभाग में 3346 है। उसके अलावा यहाँ पे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग में 7173 अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे SST डिपार्टमेंट में है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तकनीकी विभाग में 6688, समाज कल्याण विभाग में देख सकते हैं अच्छी खासी वैकेंसी है 10844 है। उसके अलावा गन्ना उद्योग में है, पर्यटन विभाग में है, परिवहन विभाग में भी अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिल रही है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे 7521 है, निगरानी विभाग में 361 है, जल संसाधन विभाग में यहाँ पे देखें तो 13712 है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं जल संसाधन विभाग में अच्छी खासी वैकेंसी है देखने को मिल रहा है। खेल विभाग में यहाँ पे 0 है। तो दोस्तों यहाँ पे कुल मिलाकर के देखें तो 472976 पोस्ट वैकेंट है। देख सकते हैं टोटल सक्सेस स्ट्रेंथ है बिहार गवर्नमेंट का, देख सकते हैं 1626927 है, जिसमें 1153951 यहाँ पे कर्मचारी कार्यरत हैं और 472976 पोस्ट अभी भी रिक्त है। तो दोस्तों इसे अनुमान लगाया जा सकता है कि आप लोगों को जल्द वैकेंसी देखने को मिल सकता है, क्योंकि राज्य सरकार यानी बिहार में अगले साल चुनाव है और इसी को देखते हुए राज्य सरकार यहाँ पे सारे यहाँ पे डिटेल्स मंगाए हैं कि उनको वैकेंसी जारी करना है और इसी वैकेंसी के अनुसार यहाँ पे वैकेंसी आप लोग को जल्द देखने को मिल सकता है। दोस्तों ये जो वैकेंसी है आप लोग को ये मानिए कि अक्टूबर तक आप लोग को ये वैकेंसी आना स्टार्ट हो जाएगा और डिपार्टमेंट बाई अलग अलग करके यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल सकता है। और दोस्तों ये जो अधिकतर जो पोस्ट है यहाँ पे बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ही ये वैकेंसी करवाया जाएगा। उसमें CGL पोस्ट है, 12th लेवल के पोस्ट है और यहाँ पे 10th लेवल के भी पोस्ट है। तो दोस्तों सभी प्रकार के यहाँ पे पोस्ट हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि एक सरकारी जॉब मिले और बिहार में ही कार्यरत हो, अपने होम स्टेट में ही नौकरी करें, तो आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकता है, आप लोग को बड़ी संख्या वैकेंसी आ सकता है। इसलिए आप तैयारी में जुटे रहें, जब भी वैकेंसी आएगा तो इसको फ़ायदा आप लोग को जरूर उठाना है, इसमें से आप लोग को एक सीट जरूर पक्का करना है। तो दोस्तों यही अपडेट था, आप लोग यहाँ पर एक बार देख लीजिए, अपने हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।